वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों को परेशानी होती है वो है नाक बंद हो जाना, गदूद होना, नाक की हड्डी में दर्द होना बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज आपकी परेशानी दूर होने वाली है क्योंकि आज बहुत उमदा नुस्खा है और आपने इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जी तो आज हम बात कर रहे हैं नाक बंद हो जाता है बहुत ज़्यादा और लोगों के जो ऑपरेशन कराने लग जाते हैं जिनके गदूद होते हैं नाक में और बाद लोगों की नाक की हड्डी में दर्द भी होता है। तो आज हम जो बात करेंगे इसमें बारे में क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। यही वजह होती है कि जो लोग डस्ट एलर्जी के मरीज़ होते हैं बार बार उनको छींकें आती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सर्दी गर्मी उनको ये मसला हो जाता है, हमेशा नाक बंद रहती है, नाक नहीं खुलती और मरीज़ जो कहता है कि बस कोई ऐसी दवा मिल जाए कि हम इस्तेमाल करें और हमारी नाक से सांस आना शुरू हो जाए। मुंह से जब सांस लेते हैं तो ज़ाहिर है मुंह खुश्क हो जाता है, हलक खुश्क हो जाता है, तो इस तरह जो है परेशानी आती है। ये खास तौर पर रात को जब नाक में की हड्डी में जब दर्द होता है तो इंसान सो नहीं पाता। तो आज हम जो नुस्खा बताएंगे आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला मरीज जो है खुद खुश हो जाएगा कि बाजी हमें इतना अच्छा नुस्खा मिला कि आज हमारी परेशानी इतनी बड़ी थी जो दूर हो गई। डॉक्टर ने तो मशवरा दिया था कि आपके नाक में जो हड्डी है उसमें वो उसका प्रेशर होगा, गदू जो है वो काटने पड़ेंगे या ऑपरेशन होगा, ऐसे ऐसे मसले होंगे, तो आपको ये तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ से आज मैं बचाऊंगी इंशाल्लाह ताला। इसमें क्या चीज़ें बचेंगे आप, आपने लेना है रोगन जैतून जो है ये आपका खालिस होना ज़रूरी है, ये आपने लेना है। और कलवंजी, अल्लाह ताला ने जो है इसमें बहुत ज़्यादा शफा रखी है और ये जो है मौत के अलावा इसके अंदर हर बीमारी की शफा मौजूद है, सब लोग जानते भी होंगे और मैं पिछली वीडियो में भी इसके बड़े अफादियत बता चुकी हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ बता चुकी हूँ, मगर आज हम नाक के में जो आपने लगाना है इसके अंदर आपने किस तरह इसको जो है कलवंजी को इस्तेमाल करना है, नाक में जो है आपने इसमें जो है जैतून के तेल में लाकर आपने कैसे लगाना है, ये आपने क्या करना है, कलवंजी का आपने एक चम्मच ले लेना है, इसको अच्छे तरीके से आपने कूट लेना है। 60 ml रोगन जैतून आपने लेना है, इसके अंदर मिलाकर आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है, कम से कम 5 मिनट तक पकाएं। जब ये पक जाए छान कर किसी ड्रॉप में डालकर जो है कोई सा भी ड्रॉप ले ले उसमें डालकर आपने नाक में चंद कतरे डालने हैं रात को, दिन में नहीं रात को आपने डालने हैं। आप यकीन जाने जैसे ही आप नाक में ये कतरे डालेंगे आपकी थोड़ी देर के बाद नाक खुल जाएगी और आपका सांस लेना जो है मुश्किल हो रहा था वो आपका सांस बहाल हो जाएगा और मरीज जो है तंदुरुस्त हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका ऑपरेशन से बच जाएंगे, आपके नाक के गद्दू जो बड़े हुए हैं वो नरम हो जाएंगे और आपके जो दर्द कम हो जाएगा, आपकी हड्डी में जो दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको जो है ये छोटा सा नुस्खा है मगर इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप ये ज़रूर नाक में डालकर कतरे देखें, आप खुद का आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील करेंगे और सुकून के नींद सोएंगे। देखिएगा आप खुद कहेंगे कि बाजी ने हमें इतना अच्छा नुस्खा बताया, खुश हो जाएंगे और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरीज़ खुश हो जाएं और उनकी ये बीमारी चली जाए और एक छोटे से मेरे नुस्खे से बताने से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो और मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी है। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निकेबान।